harmonized system of nomenclature, HSN. ये क्लियर सबने? जानते हैं इसके बारे में क्या होता है HSN? हाँ सर, जानते हैं थोड़ा थोड़ा क्या होता है बेटा ये HSN. सभी तरह के गुड्स, सभी तरह के गुड्स या सर्विसेज को जीएसटी ने कोड दिया है, एक कोड दिया है जिसे, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी डिक्शनरी होती है, ठीक है, डिक्शनरी में कितने चैप्टर्स हैं? सर डिक्शनरी में है 26 चैप्टर. ओके, चैप्टर एक, चैप्टर वन क्या है सर? वर्ड स्टार्टिंग विद ए. ओके, तो बेटा जो ए से शुरू होते हैं वर्ड्स उनकी एक कैटेगरी है, जो बी से वर्ड शुरू होते हैं उनकी दूसरी कैटेगरी है, जो सी से शुरू होते हैं उनकी तीसरी कैटेगरी है. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई वर्ड ढूंढो और वो शुरू होता है लेट से टी से, ठीक है, टी फॉर टमेटो से वो शुरू होता है, तो आप उसको क्या ए बी वाले चैप्टर में ढूंढेंगे? नहीं सर, हम उसको सीधे सीधे जाके टी वाले चैप्टर में ढूंढेंगे. ओके, तो इसी तरीके से जीएसटी लॉ ने हर पर्टिकुलर गुड्स को या सर्विसेज को एक पर्टिकुलर कोड दिया है. दिस इज अ 8-digit कोडिंग सिस्टम. ये बेटा पहले से चला आ रहा है, एक्चुअली जीएसटी से ही नहीं, ये पहले एक्साइज में भी था, ठीक है, ये एक्साइज में भी था. 8-digit कोडिंग सिस्टम है, ऑलमोस्ट वही चीजें रेप्लिकेट करी हैं जीएसटी में भी विद माइनर चेंजेस, ठीक है. पहले क्या होता था, पहले ये 6-digit कोड होते थे, बट इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लाया गया विच इज 8-digit कोडिंग सिस्टम, विच इज 8-digit कोडिंग सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाया गया इसलिए नाम लिखा गया हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. हार्मोनाइज्ड का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है, पीस, एक आराम से सब लोग एक ही चीज मानेंगे. हार्मोनाइज्ड सिस्टम बना दिया नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब इनका नामकरण कर दिया, ठीक है, इनका नाम रख दिया, ठीक है, जो इनका नाम रखा वो हार्मोनाइज्ड रखा है. अब हार्मोनाइज्ड मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, तो इट्स एन 8-digit सिस्टम. जैसे कि डिक्शनरी के 26 चैप्टर्स हैं, इसी तरीके से यहां पर अलग अलग तरह के गुड्स को अलग अलग चैप्टर्स में रखा गया. जैसे एक चैप्टर है 0, 1, 0, 2, 10, 11, 12, तो अलग अलग चैप्टर्स में ऑलमोस्ट 98 चैप्टर्स हैं, तो सबको अलग, ये सब आपको याद नहीं करना है, यू शुड नो कि क्या होता है HSN. किसी भी तरह के गुड्स को हम उसके कोड सिस्टम से जानते हैं. शुरू 8-digit का कोड है 2, 2, 2 and 2, ठीक है, दोबारा से 2-digit, फिर 2-digit, फिर 2-digit, फिर 2-digit, हो गए पूरे 8-digit, ठीक है. शुरू के जो 2-digit है, शुरू के दो जो 2-digit हैं उनको कहते हैं चैप्टर कोड, ठीक है, चैप्टर कोड. उस चैप्टर के अंदर जैसे कि बहुत तरह का, जैसे कि अगर मैं बात ही करूं, एक चैप्टर है 85, ठीक है, 85 एक चैप्टर है. 85 चैप्टर किस चीज का है? मेनली वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज का है. जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी हैं, उसका चैप्टर 85 है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बेचता हूं मेरा जो, फॉर एग्जाम्पल का अलग अलग तरह के गुड्स या सर्विसेज हो सकते हैं, लेट से मैं डील करता हूं एलईडी टीवी में, ठीक है, मैं एलईडी टीवी में डील करता हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा जो एलईडी टीवी है उसका 8-digit का कोड क्या है. तो सबसे पहले मैं चैप्टर्स देखता हूं कि मेरा वो किस चैप्टर में आता होगा. जैसे चैप्टर वन है, गुड्स मेड ऑफ एनिमल हाइड्स एंड स्किन, मतलब एनिमल की जो स्किन से बने होते हैं गुड्स, वो चैप्टर वन में आते हैं. इसी तरह चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, कुछ इस तरह के चैप्टर, यादवाद नहीं करने हैं आपको ये, ठीक है, आप चाहें तो गूगल से आप ये लिस्ट निकाल सकते हैं, ओके, या फिर जीएसटी की साइट पर भी आपको मिल जाएगी. तो प्लीज बताइए, अगर मैं एलईडी टीवी बनाता हूं तो क्या मैं अपने गुड्स को जाकर चैप्टर वन में ढूंढूंगा? नहीं सर, वहां तो एनिमल स्किन से बने हुए गुड्स आते हैं, लेदर गुड्स आ सकते होंगे, बाकी चीजें आ सकती होंगी. मुझे कहां पर जाना चाहिए? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना रहा हूं कोई, तो मुझे चैप्टर 85 में देखना चाहिए, ठीक है, तो मैं चैप्टर जाकर 85 में जाता हूं, ठीक है. अब 85 तो भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है, 85 इलेक्ट्रिकल चीजें तो बहुत सारी बनती है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो फिर मैं जाऊंगा कि उसका मैं क्या बनाता हूं, तो वहां पर 85 के अंदर चैप्टर भी सब डिवाइडेड है अलग अलग कैटेगरीज में, इसको हम कहते हैं हेडिंग्स. तो मैं देखूंगा मेरे लिए कौन सी हेडिंग है, तो वहां पर एक हेडिंग आती है 28, जहां पे लिखा होता है मॉनिटर्स एंड डिस्प्लेस, ठीक है, मॉनिटर एंड डिस्प्ले, याद नहीं करना, अगेन आई एम सेइंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू HSN क्या होता है. तो मुझे ये समझ में आया कि जो मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स हैं या मॉनिटर्स एंड डिस्प्ले है, वहां पर मेरा एलईडी टीवी आएगा. तो 85 इज द चैप्टर कोड,
ठीक है, 28 चैप्टर के अंदर हेडिंग आ गई। अब उसमें भी मॉनिटर्स में भी अलग अलग तरह के मॉनिटर्स, कंप्यूटर्स मॉनिटर्स की, ठीक है, LEDs, LCDs, अलग अलग तरह के मॉनिटर्स, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा कहाँ पर मॉनिटर आ रहा है, तो मैं उसके सब हेडिंग में जाऊंगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ, शुरू के दो डिजिट क्या सर, चैप्टर के कोड, उसके बाद क्या हेडिंग्स, हेडिंग्स के अंदर क्या सब हेडिंग्स। तो सब हेडिंग्स में जाकर मुझे पता चला LED TV आया। अब LED TV भी अलग अलग तरह के, ठीक है, लेस देन 14 inches, 14 inches से ज़्यादा के, ठीक है, अप टू 21 inches, 21 inches टू 32 inches, बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मुझे उसकी सब हेडिंग में एक और जाना पड़ेगा। तो दिस इट मेक्स एन 8-digit सिस्टम। शुरू से बताइए, शुरू के दो डिजिट क्या है सर, चैप्टर के दो डिजिट डिनोट करते हैं। तो कभी भी अगर आपको कोई भी गुड्स मिले, वो शुरू हो रहा है 72, 14, 12, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये 72 चैप्टर का गुड्स है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा था LED TV, तो शुरू के दो डिजिट क्या सर, वो चैप्टर के कोड है। उसके बाद के दो डिजिट सर, वो हेडिंग है। उसके बाद के दो डिजिट सब हेडिंग है, और लास्ट के दो डिजिट टैरिफ आइटम कहते हैं हम इसको, टैरिफ आइटम, कुछ लोग इसको सब सब हेडिंग्स भी बोलते हैं, आप टैरिफ आइटम भी बोलते हैं, क्योंकि ये सर यहां पर लिखा होता है वहां पर देख के। तो जब भी मैं किसी भी तरह के गुड्स के मैं डील कर रहा हूं, या मेरा कोई भी क्लाइंट है जो किसी पर्टिकुलर गुड्स में या सर्विसेज में डील करते हैं, तो मुझे जाकर देखना पड़ता है कि वो वाला गुड्स पर रेट क्या लगते हैं। तो मैं रेट कहां से देखता हूं, अपने टैरिफ से देखता हूं। टैरिफ का मतलब क्या होता है, रेट। तो वहां पर इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है और इसका चैप्टर कोड भी लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड HSN नंबर। यहां पर मैं वापस आता हूं, यहां पर लिखा हुआ है सेवंथ पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब भी आप सप्लाई करें गुड्स की या सर्विसेज की, तो आपने जो भी गुड्स बेचे हैं, ठीक है, लेट से आपने LED TV बेचा है, तो उसका HSN कोड भी मेंशन करें, ठीक है, उसका HSN कोड को भी मेंशन करना है, ठीक है। HSN कोड कितने डिजिट का होता है, 8 digit का होता है, ठीक है। अब सर ये तो हम अगर बहुत सारे अलग अलग तरह के गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो सबके HSN कोड लिखने पड़ेंगे, हाँ बेटा, लॉ की रिक्वायरमेंट तो यही कहती है, रूल 46 तो यही कहता है कि आपको HSN कोड को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसके बारे में कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जरा इसको देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आके देखिएगा, ठीक है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अभी मैं सेवंथ पॉइंट तक कराया था, बट मैं नेक्स्ट पेज पर आपको स्किप करा रहा हूँ, जल्दी से नेक्स्ट पेज पर आइए, ठीक है। लिखा हुआ है हेडिंग, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कोटिंग ऑफ HSN या अकाउंटिंग कोड, कि आपको कुछ रिलैक्सेशन दी है लॉ ने, कि आपको पूरा का पूरा HSN लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा अकाउंटिंग कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं। द बोर्ड में, बोर्ड कौन है सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, द बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कह सकता है द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन एंड the class of registered person that would not be required to mention the HSN code for goods or services for such period as may be specified in the said notification. क्या मतलब हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर GST council recommend करता है तो हमारा Central Board of Indirect Taxes, ठीक है, Central Board of Indirect Taxes and Custom, मतलब GST board, notification निकाल सकता है कि कुछ लोगों को कुछ period तक HSN ना कोड करने की, मतलब HSN कोड करने की हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आप चाहें तो HSN कोड ना करें, कोट ना करें, बिल के ऊपर HSN ना लिखने की हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लिखें HSN कोड। तो यहां पर इन रिगार्ड टू दिस, इंपॉर्टेंट बात यह है, इन रिगार्ड टू दिस नोटिफिकेशन नंबर 11/2017, सर याद करनी है, नहीं बेटा जरूरी नहीं है, has notified the following, ठीक है, इन्होंने एक notification निकाली, उन्होंने लिखा है कि अगर आपका supplier, अगर आपका last year का, वहां पे लिखा हुआ है annual turnover in the preceding financial year, अगर आपका last year का turnover
अप टू 1.5 लाख है, अगर अप टू 1.5 करोड़ सॉरी अप टू 1.5 सीआर है तो आपको एचएसएन लिखने की जरूरत नहीं है इनवॉइस के ऊपर। तो जब कभी भी आप इनवॉइस बना रहे हैं और आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का वाज अप टू 1.5 करोड़, तो आप एचएसएन ना लिखें, बिना एचएसएन लिखे भी आप सप्लाई कर दीजिए। क्योंकि हमारे रूल 46 ने क्या बोला बेटा, रूल 46 ने हमें यह बोला कि सेवंथ पॉइंट ने कि आपको एचएसएन लिखना पड़ेगा गुड्स का या सर्विसेज का। ठीक है, गुड्स का या सर्विसेज का। सर आप बोलेंगे सर ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है एचएसएन या अकाउंटिंग कोड। सर ये अकाउंटिंग कोड क्या होते हैं बेटा, जनरली हम एचएसएन यूज करते हैं गुड्स के लिए, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हम यूज करते हैं गुड्स के लिए। सर्विसेज के लिए हम जनरली वर्ड यूज, एचएसएन गलत नहीं है बट कॉमनली हम यूज करते हैं सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ठीक है, नाम सिर्फ फर्क है, ऑल्दो मतलब एक ही है, 8-digit कोडिंग सिस्टम। आई एम अगेन रिपीटिंग, फॉर गुड्स वी यूज द टर्म एचएसएन, हम सुधरेंगे नहीं। ठीक है, ओके, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सर्विसेज के लिए हम यूज करते हैं SAC। SAC क्या है? सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, वो भी 8-digit का होता है। जिस तरह की हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक का कोड बना हुआ है। ठीक है, बट यहां पर लिखा हुआ है कि बोर्ड चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल सकता है और आपको रिलैक्स कर देगा दैट यू डोंट हैव टू कोड एचएसएन नंबर। किस किस को रिलैक्स करा है? अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर तक है लास्ट ईयर तो यू डोंट हैव टू राइट एचएसएन। बट अगर 1.5 सीआर से ज्यादा है और अप टू है 5 करोड़ तक, मतलब आप थोड़े से बड़े सप्लायर हैं, तो आप सिर्फ शुरू के 2-digit लिखें। मुझे बताओ शुरू के 2-digit क्या होते थे? सर चैप्टर हेडिंग। ठीक है, तो सिर्फ 2-digit लिखें, बहुत आगे डिटेल तक नहीं चाहें। तो जैसे मेरे एग्जाम्पल था LED TV, तो शुरू के 2-digit क्या थे? सर 85, बस 85 लिख दो। ठीक है, किन लोगों के लिए? इफ योर टर्न ओवर इज एक्सीडिंग 1.5 करोड़ बट इट इज अप टू 5 करोड़ इन द लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इन केस अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है, इन केस आपका टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी दे दी? सर 4। ठीक है, 4-digit दे दी। जैसे कि मैं एलईडी टीवी कर रहा हूं तो 8528 इज मोर देन एनफ। ठीक है, 8528 इज मोर देन एनफ। ठीक है, समझ में आ गया है? तो ये वाली बातें क्या पढ़ रहे हैं हम? सर हम पढ़ रहे हैं कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? टैक्स इनवॉइस के कंटेंट्स होते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, GSTIN नंबर, डेट ऑफ द इनवॉइस, ठीक है, वैल्यू वगैरह, और रिसीवर के बारे में भी। रिसीवर अगर रजिस्टर्ड है तो उसका भी नाम, एड्रेस और GSTIN नंबर या UIN नंबर। अगर अनरजिस्टर्ड है तो 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से कम आप जानते हैं। नेक्स्ट बात है हमने पढ़ी HSN कोड, बट HSN कोड के लिए नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, पूरे 8-digit का HSN कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप, अगर आपके टर्नओवर ज़्यादा नहीं था, 1.5 करोड़ तक था, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट HSN। अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR से ज़्यादा है बट अप टू 5 करोड़ तो आप 2-digit लिखिए सिर्फ, और अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो आप 4-digit लिखिए। यानी कि 8-digit के लिए तो अभी तो किसी की रिक्वायरमेंट है नहीं, सिर्फ 4-digit तक आपको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, कमिंग बैक।